हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू चैनल द यंगिस्तान कैपिटल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक वीडियो जिसमें 9th, 8th, 10th, 11th, 12th के बच्चे जिन्हें डाउट रहता है अपने करियर से रिलेटेड, वो डाउट दूर होगा। आजकल के ज़माने में इंजीनियरिंग या डॉक्टरी से आगे करियर के बारे में किसी को पता नहीं होता, तो जो क्वेश्चन उनके मन में होता है आखिर कौन सा ऐसा करियर पाथ चूज़ करें जिनसे कि उनका जो करियर है वो सेफ रहे, हम आज आपको टॉप 7 इंडिया के करियर पाथ के बारे में बताएंगे, जो कि आपके लिए एक काफ़ी लग्जरियस लाइफ भी देगा और आपके करियर को एक स्टेबिलिटी भी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग का नाम सुन के बहुत लोगों के नाक सिकुड़ जाते हैं, पर सच्चाई यही है। 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला हमारे देश में कोई पाथ है, करियर पाथ है, तो वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आप 12th PCM से करने चाहिए। अगर आपको फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ ही बढ़ना है तो आप किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से BTech CSI या IT ब्रांच से करके आगे बढ़ सकते हैं, या BCA करके आगे बढ़ सकते हैं, या बैचलर कोर्स आप BSc CS इन IT एक अच्छे यूनिवर्सिटी से करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको और आगे पढ़ाई करनी है और अपने स्किल्स डेवलप करने हैं तो आप MTech कर सकते हैं। MTech के लिए आपको गेट देना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज आपको मिले। तो ये तो दोस्तों हो गया करियर कि आप कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो आपको आखिर ऐसी कौन सी कंपनियां हैं इंडिया में जो हायर करती हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को? कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, HCL, इन्फोसिस, TCS, ये सारे टेक जाइंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करना चाहते हैं। तो आपको रोज़गार की कमी बिल्कुल नहीं महसूस होगी अगर आपके स्किल सेट काफ़ी अच्छे हैं। बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 3 to 3.5 to 4 lakh से लेकर के 1 to 2 crore तक भी जाती है दोस्तों। काफ़ी सरप्राइजिंग पैकेज है, टोटली आपके स्किल सेट पर डिपेंडेंट होता है। अगर आपको लगता है कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फ्यूचर स्कोप क्या है, तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी फ्यूचर आ रहा है, चीज़ें ऑटोमेट होंगी, तो सॉफ्टवेयर और नीड बनेगा लोगों की, जिसको डेवलप करना, मेंटेन करना, डिबग करना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है। तो भविष्य में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रोज़गार को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और इसलिए ये 7th नंबर पर है। और नंबर 6 पे हैं समझ गए होंगे दोस्तों, नंबर 6 पे काविज है सिविल सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, सिविल सर्विसेज UPSC कंडक्ट करवाता है। ये काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम है, हम डायरेक्ट इसके एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इनकी एलिजिबिलिटी है कि आप एक इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, और आप सबसे अच्छी बात दोस्तों इसकी है, आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट से ग्रेजुएट हो, मिनिमम 50% आपको चाहिए, और आपकी एज भी मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल हैं UPSC का फॉर्म भरने के लिए। इसकी एग्ज़ाम जो है, इसका एग्ज़ाम है UPSC का, वो 3 stages में डिवाइडेड है। पहला स्टेज होता है इसका प्रीलिम्स, इसमें 200 मार्क्स के 2 papers होते हैं। इससे इसका नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट होता दोस्तों, पर आगे के स्टेजेस के क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रीलिम्स पास करना बेहद ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेज, सेकेंड पार्ट इस एग्ज़ाम का, जिसे कहते हैं मेन्स। UPSC मेन्स 1750 नंबर्स का होता है। इसमें 9 subjects होते हैं, 2 optional होते हैं, जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मेन क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों फाइनल स्टेज आता है इंटरव्यू राउंड का, जिसका फुल मार्क्स होता है 275। मेंस और इंटरव्यू दोनों का कंबाइन मार्क्स निकाल करके मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, और टॉप 1000 लोगों को इंडिया के डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एक ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट मिलता है। दोस्तों ये काफ़ी लग्जरियस जॉब है, आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी, लग्जरियस है, प्रेस्टिजियस है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से 1 lakh के बीच होगी, तो आप समझ सकते हैं 70,000 से 1 lakh के बीच, और आपको ढेर सारे पर्क्स भी मिलेंगे, जैसे गार्ड, बंगला, कार एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, मैं उधर डिस्कस नहीं करना चाहता, वीडियो लंबा हो जाएगा। और एट लास्ट आपके रिटायरमेंट के टाइम तक 2.5 lakh तक आपकी सैलरी जा सकती है दोस्तों, और आपने काफ़ी ऑनेस्टी से अपना सर्विस स्पैन ख़त्म किया है, तो आपको बाद में भी किसी मिनिस्ट्री लेवल पे पोस्टेड हायर किया जा सकता है। फिफ्थ नंबर पे है दोस्तों, मुन्ना भाई, MBBS,
फिर से आप समझ गए होंगे वाह मेरी ऑडियंस कितनी इंटेलिजेंट है। जी हाँ दोस्तों, फिफ्थ नंबर पे डॉक्टर। डॉक्टर आज के इंडिया जैसी कंट्री में डॉक्टर की काफ़ी स्कैर्सिटी है। अभी इवन 2000 लोगों पर एक डॉक्टर है, जो काफ़ी पुअर रेशियो है दोस्तों। तो हमारे इन डिमांड अभी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा है और इन फ्यूचर भी डॉक्टर की डिमांड काफ़ी हाई रहेगी दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी क्या है आपको अगर डॉक्टर बनना है फ्यूचर में? तो डॉक्टर बनने के लिए आपको 12th PCMB से या फिर PCB से क्वालिफाई होना होगा, मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। फिर आपको नीट, जिपमर, एम्स जैसे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने होंगे, जिसके बाद आपको MBBS या BDS के कोर्सेज में दाखिला लेना होगा। उसके बाद आपको आगे भी पढ़ाई करनी होगी, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होगा कि आप किस चीज़ का इलाज करेंगे। जैसे हार्ट का डॉक्टर होता है, हड्डियों का डॉक्टर होता है, तो वही स्पेशलाइजेशन आगे के दो साल में आप चूज़ करेंगे, उस कोर्स को कहते हैं MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। यानी तो आप कर सकते हैं दो साल का MS मास्टर ऑफ सर्जरी। तो इसके बाद आप इतने ट्रेन डॉक्टर बन जाएंगे दोस्तों कि आप एक दिन का 2 से 3 लाख कमा सकते हैं। मतलब कि स्काई इज़ द लिमिट। एक बार आप एक अच्छे स्किल वाले डॉक्टर बन गए, आपका लोकेलिटी में नाम हो गया, तो फिर आपके कहने क्या है इनकम के। तो इस लिहाज से, इनकम के लिहाज से अगर आपने अच्छी तरह पढ़ाई करी है, तो डॉक्टर एक काफ़ी सेफ करियर पाथ हो सकता है दोस्तों। नंबर 4 पे है दोस्तों, मैं एयर होस्टेस की बात नहीं कर रहा, काफ़ी दूर तक गए आप लोग। नंबर 4 पे है कॉमर्शियल पायलट। कॉमर्शियल पायलट बहुत लोग ने इसका इवन नाम तक नहीं सुना होगा, कॉमर्शियल पायलट क्या करता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो एयरप्लेन होते हैं, एयरलाइंस होते हैं, उसके जो पायलट होते हैं, जी दोस्तों, उसके जो पायलट होते हैं, काफ़ी एक रेपुटेटेड जॉब है, कॉमर्शियल पायलट उसी को कहते हैं। ये काफ़ी ग्लैमरस जॉब भी है और उन चुनिंदा एम्प्लॉयमेंट और करियर पास में है जहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी हाई होती है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 1.5 से 2 लाख तक की हो सकती है दोस्तों। और अगर आपको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, ग्लैमरस लाइफ चाहिए, खूब सारे पैसे चाहिए, तो कॉमर्शियल पायलट आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ तक कि अगर आपको ट्रैवल फ्रीक हैं, तो इससे बेहतर चॉइस आपके पास हो भी नहीं सकता। पर और एक जो इसका कॉन्स है दोस्तों कॉमर्शियल पायलट का, वो ये है कि इसकी पूरी फीस, यानी ये कोर्स पूरा करते करते आपको 35 लाख के अराउंड तक एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो अगर आप उतना बियर कर सकते हैं, तो अगर आप उतना सक्षम हैं, तो बिल्कुल इस फील्ड के लिए जाइए आप। फिर आप कहाँ से ये कोर्स करें? तो एक इसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि IGRUA, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेदमी, NFTI, MPFC, ये सारे दोस्तों एक काफ़ी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट हैं जो कॉमर्शियल पायलट्स के कोर्सेज आपको कराते हैं। इसका बस एक ही कॉन्स है दोस्तों कि ये थोड़ा सा महंगा है। नहीं तो अगर आपको एक ग्लैमरस लाइफ चाहिए, एक सेट लाइफ चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, देन गो फॉर कॉमर्शियल पायलट। अगर आप कहेंगे कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, तो मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ दोस्तों, कि हमारा जैसे इंडिया का इकोनॉमी अभी ग्रो कर रहा है और इन फ्यूचर करेगा भी, तो लोगों का जो पैसेंजर है, पैसेंजर कम्युनिटी है, वो रेलवे से उठ करके एक एयरवेज की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो मतलब कि भविष्य में, फ्यूचर में इसका स्कोप काफ़ी ब्राइट है। इफ़ यू वांट सच अ जॉब, सच अ करियर, देन गो फॉर इट। अपने अब लिस्ट के टॉप 3 करियर पाथ्स के पास आ चुके हैं, बिल्कुल स्क्रीन से चिपके रहिएगा दोस्तों। तो अब मैं बताने वाला हूँ, नंबर 3 पर है लॉयर। यह दोस्तों लॉयर इंडिया में काफ़ी रेपुटेटेड जॉब माना जाता है। लॉयर को काफ़ी इज्जत की भावना से भी देखा जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात, लॉयर जो फील्ड है प्रोफेशनल की, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका कोई प्रीवियस एकेडमिक एक्सेलेंस रिक्वायर नहीं होता। इसमें आपको लगातार एक्साइटिंग वर्क करने को मिलता है, आपको वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलता है। और अगर आपका डिमांड हाई, तभी होगा जब आपका रैंक हाई है। तो इनफैक्ट अगर आप अच्छे से केसेस फाइट करिएगा, तो आपका रैंक हाई होगा, तो आपका इन डिमांड भी काफ़ी बढ़ेगा। पर लॉयर प्रोफेशन की कुछ कॉन्स भी है दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप इस प्रोफेशन में काफ़ी अच्छी तरीके से हैं, तो आप इनके कुछ एनिमीज भी बन जाएंगे कि ऑफकोर्स आप उनके अगेंस्ट कुछ केसेस लड़े होंगे, तो आपके एनिमी बनना भी लाजमी है। और इसका कोई फ्लेक्सिबल रूटीन नहीं होता, आपको घर पे ही बैठ के इसके लिए काम करते रहना पड़ सकता है। और मतलब कि
अब मैंने पहले भी कहा कि ये काफ़ी एक्साइटिंग जॉब है दोस्तों, आपको लगातार इसमें एक्साइटमेंट के साथ इंडल्ज रहना पड़ता है, तो आपके लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है। हम बाकी प्रोफेशंस में देखते हैं कि अगर आप सीनियर पोस्ट पे पहुंच गए हैं तो आपके लिए जूनियर्स के कंपैरिजन में उतना कंपटीशन नहीं मिलता, पर ये प्रोफेशन एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है कि आप किसी भी स्टेजेस में चल जाइए, इनफैक्ट सीनियर में भी आपको जूनियर से वहाँ कंपटीशन मिलता रहेगा। इसके लिए आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब कि लॉ की पढ़ाई किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से करने के लिए आप क्लैट, सिम्बायोसिस, स्कूल ऑफ लॉ के इंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अगर आप किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट लेते हैं तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 35,000 टू 40,000 पर मंथ से काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगा, वो आपके बिल्कुल स्किल सेट पे डिपेंड रहेगा दोस्तों। और सेकंड नंबर पे है दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल्सो नोन एज सीए। सीए का करता क्या है भैया कि ये जो सेकंड नंबर पे है, सीए किसी भी कंपनी का पूरा ऑडिट सेक्शन मॉनिटर करता है, उसका पूरा बजट सेक्शन हैंडल करता है, उसका पूरा इकोनॉमिक हैंडल करता है, यानी कि आप बोलते हैं पूरे किसी भी कंपनी के कॉमर्स का जान एक सीए होता है। तो इसके लिए एलिजिबल कौन है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, अगर आपने ये स्ट्रीम पास करा है तो आप सीए के एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हैं। सीए का एग्ज़ाम चार स्टेजेस में होता है दोस्तों, और ये कंडक्ट करवाता है ICAI। पहला जो स्टेज होता है उसे हम लोग कहते हैं CPT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको बस पास करना होता है 40% ओवरऑल मार्क्स लाके। सेकंड स्टेज होता है वो दोस्तों, वो होता है IPCC। IPCC दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने चाहिए तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेज होता है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है, वो आप किसी अच्छे सीए के अंडर कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा बात दोस्तों पता है क्या है, इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, तो आप इससे अनएम्प्लॉयड फील नहीं करिएगा। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपको अच्छा स्टाइपेंड भी मिल रहा है, आप जितने अच्छा सीए के अंडर आर्टिकलशिप करिएगा आपका फ्यूचर ब्राइट होने के चांसेस और ज़्यादा है। उसके बाद फाइनल स्टेज आता है, इसमें सीए का फाइनल एग्जाम, ये भी दो पार्ट में बटा होता है, आपको 50% मिनिमम लाना होता है, कट ऑफ ही उतना जाता है, उसके बाद आप सीए बनने के लिए क्वालिफाई कर चुके होते हैं। इसका जो फ्यूचर स्कोप होता है वो भी काफ़ी अच्छा है, आगे आप बैंक में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, और आप देख रहे हैं डिफरेंट स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो हर कंपनी का एक अपना सीए होता है जो भी इस सीए का करियर को नंबर 2 पर ला कर काबिज करता है। सीए का सबसे एक अच्छा फैक्ट है दोस्तों, कोई भी सीए क्वालिफाइड आदमी जिसने चारों स्टेजेस क्वालिफाई करी है वो अनएम्प्लॉयड नहीं बैठता है, तो इसका सबसे अच्छा बात यही है दोस्तों। और इसका जो एवरेज सैलरी होता है वो 7 to 8 lakh पर एनम वेरी करता है, टोटल आपका स्किल सेट पे डिपेंडेंट है, वो 1 to 2 crore भी जा सकता है। आपने जितनी अच्छी ट्रेनिंग करी है उतने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। और नंबर 1 पे दोस्तों मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट प्रोफेशनल ने इस पूरी लिस्ट में टॉप करा है। मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स में आगे बढ़ने के लिए आपको MBA करना काफ़ी ज़रूरी है। इसकी सबसे अच्छी बात है जो इसे वैरायटी प्रोवाइड करता है कि आप कहीं से भी, कोई से भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करा हो उससे कोई मतलब नहीं, आप MBA के लिए एलिजिबल हैं। आप CAT, ZAT, SNAP, NMAT, TIS जैसे काफ़ी रेपुटेटेड एग्ज़ाम्स के जरिए काफ़ी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस में अपना दाखिला ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपने 6 to 7 months ही अगर अच्छे से तैयारी करी है इन सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, तो आप बड़े आराम से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस 1 साल की मेहनत, 2 साल का कोर्स MBA, उसके बाद लाइफ सेट है। काफ़ी लग्जरियस जॉब, मतलब कि आपको फिर आगे पैसों से रिलेटेड बात लेकर के कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि अगर आप जिस तरह से आपकी परसेंटाइल आई और जिस तरह से आपका प्रोफाइल है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी रही, आपकी बाकी एग्ज़ाम्स में परसेंटाइल अच्छे हैं, तो आपको अच्छी रेपुटेटेड कॉलेजेस से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। अगर आपने वहाँ का इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो आप वहाँ दाखिला ले लीजिएगा। प्रॉब्लम ये आती है, मतलब गलतफहमी जो MBA से रिलेटेड है लोगों के बीच में, कि इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई है दोस्तों, कि आप अगर अच्छे कॉलेजेस से MBA करेंगे तो अप्रॉक्स आपको 20 to 25 lakhs रुपये एज अ फीस देने पड़ेंगे। पर इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसके बारे में चिंता लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपने अच्छी जगह प्रेस्टिजियस कॉलेज से दाखिला पा लिया तो बैंक बिल्कुल झोली लेके आएंगे आपके पास कि ले लीजिए, मुझसे लोन ले लीजिए और फीस पे कर दीजिए, क्योंकि आपकी फिर एवरेज सैलरी होगी 27 to 28 lakh पर annum दोस्तों। एक साल की मेहनत,
जिंदगी पूरी तरह सेट। तो इन सब रीजंस के कारण मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स ने पूरे लिस्ट में टॉप किया है। थैंक यू, और आगे इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहें। हम अभी आगे जेई काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।